बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे मुल्क में जो कोरोना वायरस की सूरत में एक वबा फैली हुई है, जिससे अमवात और जिससे जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो अपनी जगह पर अफसोसनाक तकलीफ देह है, उसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये इकदाम इंतहाई मुनासिब है कि उन्होंने इस इलाके को लॉकडाउन करके तो हिफाजती तदाबीर के एतबार से बहुत बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारे इस इलाके को और पाकिस्तान को इस वबा के नुकसानात से महफूज रखे। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ी मुश्किल मुझे नज़र आ रही है वो ये कि हमारे वो लोग के जो मज़दूर थे और गरीब लोग थे जिनका रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था, वो इस वक्त इंतहाई नागुफ्ताबे सूरत हाल में है। मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि वो ज़कात के फ़ंड से उनके लिए खसूसी पैकेज के हवाले से खसूसी तौर पर फिलफोर उनके लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए, ताकि इस परेशानी में और इस सूरत हाल में जो लोग बुरी तरह मुतासर हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मुहैया हो सके। वहाँ पर मैं अहले खैर हजरात से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आगे बढ़ें और लोगों के साथ तआवुन करें और उन लोगों को जो लोग इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में हैं उनके साथ उनके खाने पीने की अशिया उनको फराहम की जाएँ। और तीसरी बात जो है वो ये कि हमारा जो पलंदरी का हॉस्पिटल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलतें देकर और वेंटिलेटर और दूसरी सहूलतें मैसर करके, ताकि अल्लाह ना करे कि यहाँ पर ये मर्ज़ अगर बढ़ता है तो ताकि इलाज की कोई ना कोई मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि इन उमूर पर हमारी हुकूमत भी और हमारे अरबाब इख्तियार जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बड़े मुस्बत नतायज जो है वो सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।